दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं सैमसंग मोबाइल के बारे में कि मान के चले अभी 2019, 2020, 2018 में जो भी मोबाइल आया हुआ है, ठीक है, तो पहले वाला जो मोबाइल 2018 या 19 का हम लोग जो बाईपास कर लेते थे, ठीक है, बाईपास करने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ता था जैसे कि मान के चलिए टोल बैक ऑप्शन या सिम कार्ड के मेथड से या मान के चलिए कैलकुलेटर मेथड से, ठीक है। अब वो सब जो है वर्क नहीं करता है, फोन सब अपडेट हो गया, वो सिस्टम अब वर्क नहीं करता है। तो आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे 2020 में जो ये टूल जो है सैमसंग FRP बाईपास वाला टूल जो है ये सामने आप देख रहे हैं 2020, ठीक है, इस टूल के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि इस टूल में आपको कितना बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। इसमें कोई भी सैमसंग मोबाइल को आप जो है मतलब बाईपास करने के लिए बहुत ही आसानी से यूट्यूब पर जा सकते हैं, गूगल पर जा सकते हैं। सबसे मेन जो मुद्दा होता है हम लोगों का वो होता है गूगल पर जाना, ठीक है, और गूगल के माध्यम से जो है किसी मोबाइल को बाईपास करना, ये सब आपको आता है, हम जानते हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि किस तरह से आप जो है हाउ टू फिक्स इट फाइल से या एल लंचर से या ठीक है क्विक शॉर्टकट मेकर से किसी भी एप्लीकेशन से आप लोग मोबाइल को बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि आप लोग जो है मोबाइल के अंदर में जा नहीं पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप किसी भी मोबाइल के अंदर में, चाहे वो सैमसंग A20 रहे, A50 रहे, ऑनलाइन वाला भी अगर मोबाइल है उसके अंदर में भी आप जो है गूगल पर जा सकते हैं उस मोबाइल में इस एप्लीकेशन की मदद से, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको मोबाइल को ऑन करके लगाना है और मोबाइल में आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, चाहे आप वाईफाई से दीजिए या मोबाइल के अंदर में सिम लगाइए। जिस मोबाइल में आपका FRP लगा हुआ है उस मोबाइल में आप चाहे सिम कार्ड लगाइए या अलग से वाईफाई दीजिए, उस मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। और मोबाइल को ऑन करके सिर्फ कंप्यूटर में आपको लगा देना और कुछ नहीं करना है, और इस टूल को ओपन करना है, ठीक है। इस टूल को ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ पे FRP का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, इस पर ओके करना है। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, देखिए आप यहाँ पे देखिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ मोबाइल और कंप्यूटर दोनों, ठीक है। जैसे FRP पे क्लिक किया, ऑप्शन आया, उस पर ओके किया, ठीक है, ये इस तरह का प्रोसेस चलेगा। और उसके बाद आपके मोबाइल पर, ठीक है, आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं कि एक मोबाइल मैंने लगा के रखा है, इस मोबाइल के अंदर में जो है पैटर्न लॉग है और FRP लॉग है, ठीक है। ये मोबाइल है सैमसंग A20S, ठीक है। तो इस मोबाइल में जो ये ऑप्शन आ चुका है, ठीक है, ये मोबाइल सैमसंग A20S है और इस मोबाइल में ये ऑप्शन आ चुका है, जबकि ये मोबाइल ऑनलाइन में सपोर्ट है, ठीक है, फिर भी इस मोबाइल में ऑप्शन आ चुका है बाईपास करने के लिए। तो ये जो ऑप्शन है जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप आसानी से यूट्यूब पर जा सकते हैं, ठीक है। और YouTube पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आएगा इस तरह का, इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे YouTube के माध्यम से आप Google पर जा सकते हैं, क्योंकि पहले जो सिस्टम था कि आप टोल बैक के ऑप्शन से जो है आप Google पर जाते थे या सिम कार्ड के मेथड से या फिर जो है किसी अन्य तरीके से, ठीक है, कैलकुलेटर के मेथड से आप जो है यूट्यूब पे जाते थे या गूगल पे जाते थे, ठीक है, मोबाइल को बाईपास करने के लिए। अभी कोई भी मोबाइल आपके पास अगर आता है, ठीक है, तो उसमें आपको गूगल पर जाना है, तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, ठीक है, इस टूल के माध्यम से इस तरह का ऑप्शन आएगा, ऊपर में आपको जो है लिंक टाइप करना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ फिर से यहाँ पे, आप देखिए आप ऊपर में आपको लिंक टाइप करना है वहाँ, ठीक है, यहाँ पे टाइप नहीं करना है आपको, वहाँ ऊपर में टाइप करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे आपको टाइप करना है लिंक। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आपको लिंक टाइप करना है, तो लिंक टाइप करना है आपको गूगल का, या तो फिर डायरेक्ट आप जी लिखिए गूगल आ जाएगा, अगर गूगल नहीं आता तो पूरा www.com आप google.com लिख सकते हैं, डायरेक्टली गूगल पर आप पहुंच जाएंगे, तो ठीक है। तो आप देख सकते हैं जी टाइप करने पर गूगल का ऑप्शन आया था, उस पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आया है गूगल का, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे गूगल आ जाएगा। तो गूगल पर आने के बाद हम सबको पता है कि हम किसी भी सैमसंग मोबाइल को बाईपास कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन के जरिए से, ठीक है, चाहे वो ऑयल लॉन्चर हो, चाहे क्विक शॉर्टकट मेकर हो, ठीक है, चाहे हाउ टू फिक्स इट फाइल हो, किसी भी एप्लीकेशन के जरिए से आप जो है मोबाइल को जो है अनलॉक कर सकते हैं, FRP रिमूव कर सकते हैं। मेन जो आसानी होता है यहाँ पे एप्लीकेशन से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे बहुत आसान होता है, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम होता है हम लोगों को वो होता है मोबाइल में गूगल लाने पर, ठीक है, टोल बैक काम नहीं करता है, कैलकुलेटर मेथड काम नहीं करता है, सिम कार्ड काम नहीं करता है ऑप्शन, ठीक है, आप गूगल पर जा नहीं पाते हैं। तो इस टूल के माध्यम से आप कोई भी सैमसंग, ठीक है, चाहे 2020 का मोबाइल रहे, 2019 का रहे, 2018 का रहे, किसी भी मोबाइल में आप जो है इस मेथड से आप यूट्यूब के माध्यम से गूगल पर जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।